को कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। आज सुबह मेरे गांव वाले इकट्ठे हुए थे अपने आप, और उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप जो है 5 मिनट में गांव आइए। मैं वहाँ चली गई, देखा तो पूरा गांव वहाँ पर खड़ा था, और गांव खड़ा था तो मैंने सबसे पूछा कि भाई मैं आदेश करो, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इस पार्टी को बढ़ाने में और इसकी सेवा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हमारे गांव का नाम आपके नाम से है। सुंदरावली को लोग इसलिए जानते हैं कि यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के एमपी रहे हैं, राजनीति हमारा गांव है। अगर आज आपको टिकट नहीं मिला और हम चुनाव यहाँ से नहीं लड़े, जीते नहीं, तो हमारे गांव की जो खुशबू है उसमें कमी आएगी। और हम सब आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा सुंदरावली गांव ये चाहता है कि अब तक आपने पार्टियों से चुनाव लड़े होंगे, इस बार आप हमारे गांव की तरफ से चुनाव लड़ो, ये हमारा आपको आदेश है। आप सब जानते हैं कि राम से और गांव से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं मेरे गांव में, क्योंकि आज तक मैं जो भी राजनीति में चली हूँ, बड़ी हूँ, मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे आगे बढ़ाया है। चाहे मैंने जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा, या मैंने प्रधानी का लड़ा, या 4 मैंने विधायकों के चुनाव लड़े, हमेशा जो है मुझे मेरे गांव ने साथ दिया है, मेरा परिवार है, और मैं उनकी बात को इनकार नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनसे कहा है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि फोन के द्वारा भी जिस दिन ये टिकट हुआ था उस दिन मेरे ख्याल से कोई 4 और 5 हजार फोन एक दिन में आए थे, जिसमें से मेरे ख्याल से मैं तो कोई 700-800 ही फोन उठाए होंगे, लेकिन मेरा फोन जो है बिल्कुल हैंग सा हो गया था। और मैंने जितने भी फोन उठाए, जिनसे भी बात करी, और मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे परिवार के, मेरा बेटा है इसके, मेरे हस्बैंड के, हमारे सब लोगों के जो है फोन पूरी तरह बन बना रहे थे। और सारे क्षेत्र का ये मन था कि जिसने इस पार्टी को बढ़ाया, जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उसका टिकट काट कर पार्टी ने बहुत गलत काम किया। मैं भी कहना चाहती हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने क्या लिया, पार्टी ने दिया, लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, अगर नहीं भी लड़ाना है तो भाई साहब मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दें ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका टिकट। जैसे कि मैंने कहा भावुक हो रही हैं और आपका भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नगर की जनता बोल रही है कि अनीता को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत, जो भी मिलेगा इस पद पर संघर्ष के मंगल में चलती हूँ। मैडम आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह जी फिर क्या करेंगे? आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी है, सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका काम और उसके, तो मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ रहना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूंगी। पार्टी को मैंने परसों उनका फोन आया था, मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं अब उस बंधन से आपके से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा, मुझसे झूठ नहीं बोलते ना तो भी कोई बात। और आज मैं आप सबके सामने भी कहना चाहूँगा, मैं मेरे परिवार के बंधन में आ चुकी हूँ, मेरा परिवार मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा।